हाय फ्रेंड्स, संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है उपसर्गाद्रिति धातु। इस सूत्र को समझने से पहले हम दो संज्ञा सूत्र समझेंगे। नंबर एक, उपसर्गः क्रियायोगे, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञकः स्युः, अर्थात प्र आदि जब क्रिया के योग में होते हैं तो उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। यहाँ अनुवृत्ति आई है बच्चों प्रादय की। यहाँ पर उपसर्गः क्रियायोगे, यहाँ पर हमारे प्रादय है क्रियायोगे, ये संज्ञी है, तथा उपसर्गः ये संज्ञा है। ये बात हुई संज्ञा संज्ञी की। प्रादय है कि यहाँ पर अनुवृत्ति आई है। अब हम समझते हैं ये प्रादय क्या है। प्रादि ये क्या होते हैं? प्र परा अप सम औ अनु निस निर दुस दुर आदि 22 ऐसे शब्द हैं जो प्रादि कहलाते हैं। जब ये प्रादि जमा क्रिया हो जाते हैं तो ये जो प्रादि है ये उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्लियर? प्र आदि जो 22 है जब इनका क्रिया से योग होता है तो ये उपसर्ग संज्ञक बन जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे प्र उपसर्ग कब? जब उनके पीछे धातु होगी। तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्र धन भू, ये भू हुन अर्थ में धातु है। जब ये दोनों होंगे तो हम प्र को कहेंगे कि आप उपसर्ग संज्ञक हो गए हैं, हमारा जो रूप है वो हो गया है प्र भू। प्र भवति, प्र भवतः, प्र भवन्ति, ये रूप चलेंगे, ये लट लकार में है। तो ये तो हुई उपसर्ग संज्ञा की बात। इसी प्रकार आधन गम, परिधन गम इत्यादि, ये दोनों उपसर्ग संज्ञा कहलाए धातु से योग होने पर। अब बात आती है बच्चों धातु संज्ञा की। भूवादय धातवः, भूवादय प्रथमा बहुवचन, धातव है प्रथमा बहुवचन, अर्थात जो भू आदि है, भू वा आदि है, जो क्रियावाची शब्द भू आदि है उनकी धातु संज्ञा होती है। तो बच्चों हमारी जो वृत्ति है उस वृत्ति में क्या कहा गया है? क्रियावाचिनो भवादय धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जो भू आदि है वो धातु संज्ञक होवे। तो सबसे पहले हमें क्रियावाची को समझना पड़ेगा। क्रियावाची किसे कहते हैं? जिस शब्द में ना 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 पीछे आए, जिस शब्द में करने या होने का भाव पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना सोना रोना धोना उठना बैठना खेलना इत्यादि, ये सभी क्या है? क्रिया है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो यहां दो पद आए हैं बच्चों, भू तथा भूश्च वाश्च। इसको हम इस प्रकार खोलेंगे और यहां हम इतरेतर द्वंद समास बनाएंगे। इतरेतर द्वंद समास किस में होता है? दो भिन्न पदों में होता है। तो यहां भू का अर्थ भूमि ना हो जाए, इसलिए भू से पहले वृत्ति में क्रियावाचिन का प्रयोग किया है, क्रियावाचिनों का प्रयोग किया है। तो यहां भू का अर्थ क्या है? भू का अर्थ है होना, तथा वा का अर्थ है गति। जैसे दोनों ही भवादि गण की धातुएं हैं, भू भवति भवतः भवन्ति,
वा, वाति, वात है, वांति, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो क्रियावाची जो भू आदि है वो धातु संज्ञक होते हैं। तो यहाँ केवल जो भू आदि से भवादि कहा गया है, इसका अभिप्राय केवल भवादि गण से नहीं है, अभी तो 10 के 10 गण धातु के अंतर्गत परिगणित होते हैं। ये बात हुई धातु संज्ञा की। कौन होते हैं एक बार वापस कर लेते हैं। जो क्रियावाची भू आदि शब्द हैं वो धातु संज्ञक होते हैं। दोनों हमारी संज्ञाएं क्लियर। अब हमारा सूत्र आता है उपसर्गाद्रिति धातु, इसे विधि सूत्र कहते हैं बच्चों। कैसे? एवर्णात उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेकादेश है स्यात्। कैसे? इसको बिल्कुल जो हमने व्याख्या बोली है उस व्याख्या को समीकरण में बना देंगे। कैसे? एवर्णात उपसर्ग के परे रिकार आदि धातु होने पर दोनों के स्थान पर एक आ वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या होता है? एक आ, आ कौन सा है? ये रे परक होगा। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है प्रधन रिच्छति। नंबर एक सूत्र हमारा आएगा उपसर्ग क्रिया योगे, क्योंकि प्र का धातु के साथ योग है अतः इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई। और रिच क्योंकि हमारी क्रियावाची है इसलिए ये धातु संज्ञक है। अब दोनों ही स्थिति विद्यमान है। क्या? एवर्णांत उपसर्ग के परे रिकार आदि धातु का री होने पर दोनों के स्थान पर एक आवृद्धि आदेश हो जाता है। ये आवृद्धि आदेश उरण रप रह सूत्र की सहायता से कैसा होगा? रे परक होगा। तो हमारी क्या स्थिति बनी? प्रधन, प्र अब हमारा हलंत हो गया, यहां आ गया आर धन क्षति, हमारी संधि सिद्ध हुई। प्रा रच्छति, रे आधा है इसलिए शीर्ष पर चला गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हैं। उपधन रिच्छति, ए किसका ए है? लिखना होगा, हमें बताना होगा। प्रस्तुत उदाहरण में ए ए वर्णांत उपसर्ग का है अतः इसके तथा इसके परे रिकार आदि धातु का रि विद्यमान है अतः दोनों के स्थान पर एक आर वृद्धि आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई उपारच्छति। बच्चों जो हमारे प्रादि 22 हैं, ये प्रादि जो 22 उपसर्ग बन जाते हैं इनमें चार उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्णांत है। वो कौन कौन से हैं? प्र, अप, उप तथा अव। ये चारों अवर्णांत उपसर्ग हैं। इन चारों उपसर्ग में से इन धातु परे होने पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। तो ये तो हुई हमारी वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के जो हमने सूत्र पढ़े हैं एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला सूत्र था वृद्धि रादैच, ये हमारा संज्ञा सूत्र है। आ, आई, औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। नंबर दो वृद्धि रेची, ये सूत्र अवर्णांत के परे ए, ओ, आई, आउ होने पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। फिर हमारा आता है तीसरा एते धत्यु,
सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है बच्चों। ये कहता है ए वर्ण के परे इण धातु का ए, ए वर्ण के परे एद धातु का ए होने पर दोनों के स्थान पर एक आई वृद्धि आदेश हो जाता है। इसी प्रकार अन्य वार्तिक भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ हम जो हम उपसर्गाद्रिति धातु सूत्र देख रहे हैं, यह सूत्र गुण संधि का अपवाद सूत्र है। अगले ट्यूटोरियल में हम अन्य संधि प्रारंभ करेंगे।